हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप नोट पैड प्लस प्लस में जो एरर आ रहा है कि HTML का फाइल क्रोम के साथ नहीं खुलता है, ये एरर आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पास मेरा पास एक HTML का फाइल है और अगर मैं इसे ओपन करता हूँ क्रोम के साथ, ये देखिए यहाँ पास, तो ये देखिए इस तरह का एरर आ रहा है अपने पास। ठीक है, ये वो शेल एग्जीक्यूट एरर आ रहा है, तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और कई लोगों के में ऐसा हो रहा है कि ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि ये एरर को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए, रन में जाइए, उसके बाद यहाँ पर एक और रन का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक एड्रेस बार मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने क्रोम का एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ से ब्राउज़र में जाइए, उसके बाद आप जहाँ आपने जहाँ भी अपने क्रोम को इंस्टॉल किया है उस एड्रेस पे जाइए आप। बेसिकली जैसे कि मैं मेरा है लोकल डिस्क सी में, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पर x86, उसके बाद गूगल में। ठीक है, उसके बाद क्रोम, फिर एप्लीकेशन, उसके बाद ये देखिए ये exe फाइल आ गया, इसे ओपन कर दीजिए। ठीक है, ये अभी भी वहाँ नहीं खुलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये तो खुल गया पर हमारा फाइल नहीं खुला। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी अपने एड्रेस में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारा एड्रेस है, तो इसमें आपको ऐड करना होगा यहाँ पर डबल कोट्स के बाद एक आप स्पेस लगाइए, उसके बाद फिर डबल कोट स्टार्ट कीजिए और फिर उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा डॉलर, उसके बाद ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, फिर कैपिटल में फुल FULL, फिर अंडरस्कोर, फिर करेंट CURRENT, करेंट, फिर अंडरस्कोर, फिर पाथ। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया है और डबल कोट्स भी, और आप इसे आप सेव कर दीजिए। ठीक है, या फिर डायरेक्ट अपन रन करके देखते हैं। ये देखिए मैंने रन किया और अब मेरा फाइल पूरी तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे सेव भी कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर जाएं सेव में। ओके, पहले अपन क्या करते हैं, पुराने वाले को डिलीट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर मॉडिफाई शॉर्टकट डिलीट कमांड लिखा हुआ, वहाँ पर जाइए और पुराने वाले को डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, आपको वापस रन में जाइए और यहाँ पर सेव पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर नेम दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ ओपन विथ क्रोम। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट रखना है तो शॉर्टकट रख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ऑल्ट और स्पेस और फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो शॉर्टकट है क्रिएट हो गया, इसे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये देखिए आ गया, और जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा हमारा फाइल खुल गया। ठीक है, हमने जो शॉर्टकट बनाया था वो भी काम करेगा, जैसे कि ऑल्ट स्पेस। ये देखिए तीसरी बार भी हमारा फाइल खुल गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।